नमस्कार। इंटरनेट के इस दौर में हमारा हर काम ऑनलाइन हो गया है। बात चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की हो, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, या फिर सोशल मीडिया की। डिजिटल युग ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, तो वहीं आजकल हर तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। साइबर क्राइम वाली इस दुनिया में मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल आसान नहीं है। यहाँ छोटी सी गलती आपकी जीवन भर की पूंजी खाली कर सकती है। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर में लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अगर बात करें ताज़ा खबरों की, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही पिछले 37 दिनों में 42 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। खबरों के मुताबिक साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज 42 मामलों में से 37 मामले थाना में दर्ज हुए और 6 मामले शिमला से ट्रांसफर किए गए हैं। इन मामलों में ज्यादातर शातिरों द्वारा कस्टमर केयर सर्विस, फेक क्रेडिट मैसेज और टेलीग्राम माध्यम से ठगी की गई है। साइबर थाना नॉर्थन रेंज धर्मशाला के ASP प्रवीण धीमान ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर बुजुर्ग व महिलाएं ज्यादा ठगी का शिकार हो रही है। अब तक 600 से अधिक महिलाओं को शातिरों द्वारा ठगा जा चुका है। के माध्यम से यही लोगों से मेरा आग्रह है कि वो जब भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या ऑनलाइन फीस को पे करने का या कस्टमर केयर से भी बात करनी हो, तो वो जेन्युइन लिंक को ही अपनाएं। अभी तक मैं कंप्लेंट्स तो बताना चाहूँगा, कंप्लेंट्स तो लगभग 600 के लगभग महिलाएं हैं जो अब तक ठगी जा चुकी हैं, और जो मामले दर्ज हैं उसमें 5 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक साइबर क्राइम अब नए नए रूप ले चुका है। लोग कभी बैंक के नाम पर तो कभी ATM के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल नेटवर्किंग और विविध शिकायतों में 70% की वृद्धि देखी गई है। जनवरी से अक्टूबर 2022 के बीच ऐसी 4,593 शिकायतें मिली थी, जबकि 2023 की समान अवधि में इनकी संख्या 8,152 रही। साइबर अपराधों के मामलों में मंडी, कांगड़ा, ऊना और शिमला जिले शीर्ष पर हैं। हाल ही में साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गूगल ने प्ले स्टोर से 2200 ऐप्स ऐसे हटाए हैं जिनमें ज्यादातर लोन ऐप शामिल है। हम सभी को इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी अनजान कॉल पर अपना ATM पिन, CVV, पासवर्ड जैसी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें। अपनी निजी जानकारी और OTP किसी भी व्यक्ति और अनजान कॉल पर साझा ना करें। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान और अविश्वसनीय लिंक पर क्लिक ना करें। ध्यान रखें कि पेज का URL HTTPS से शुरू होना चाहिए। फोन पर लाभ राशि, इनाम या लॉटरी जीतने जैसे किसी भी लालच या ऑफर में ना आए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ID का पासवर्ड स्ट्रांग रखें। ऑनलाइन पेमेंट ऐप से भुगतान करते हुए सतर्क रहें। यदि कोई भी ब्लैकमेलिंग कर फोन पर रुपए मांगता है, तो सीधा पुलिस में शिकायत दर्ज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, हिमाचल।